नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने इसके बेसिक्स देखे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, इक्वल मैट्रिक्स देखा। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको। पहले तो हम मुझे ये बता दो कि ये कितने बाई कितने, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर को हम कैसे लिखते थे, एम बाई एन, ठीक है, ये लिखते थे ना। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने रोज है बच्चों, फटाफट बताओ। रो वन, रो टू, रो थ्री है या नहीं है। कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। दैट मीन्स तीन रो और कितने कॉलम, जी हाँ चार कॉलम, सही सुना, चार कॉलम। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3/4। एक बस आप काम करें कि अपने पास एनसीईआरटी जरूर लेकर बैठे, ठीक है, ताकि मुझे क्वेश्चन लिखने में टाइम ना लगे। फटाफट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप वहां से देखें, इसको पॉज कर ले, आप वहां से एनसीईआरटी उठाएं, क्वेश्चन वहां से देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया इसका 3/4। चलते हैं आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या करते हैं, जितना ऑर्डर होता है उसी को मल्टीप्लाई। तो 3/4 मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12। ऐसा नहीं कि काउंट करेंगे, हो गए 12 एलिमेंट, ओके। अगर बेसिक आपने देखा है तो आपको अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस एलिमेंट की वैल्यू बतानी है, A13। दैट मीन्स फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, चले ऐसे फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो क्या है ये, और थर्ड कॉलम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, आई होप मिल गया, दैट इज 19, जहां पे दोनों क्रॉस हो जाए। सेकेंड रो, सेकेंड रो चलो, और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये है आपका 3/5। रो और कॉलम को मैंने बताया था आई और जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसकी पोजीशन बताने के लिए, ओके। जहां पे आई रो होता है, जे कॉलम होता है, अपनी पिछली वीडियो में देखा हमने, ओके। चलते हैं आगे, 3/3 दैट मीन्स थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये है आपका थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम, यहाँ पे दोनों क्रॉस खाएगा एक दूसरे से, दैट इज -5। सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, चलो सेकेंड रो में भाई, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम पूछिए, दैट इज 12, ओके। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। आई होप समझ आ रहा है आपको, बहुत आसानी से किया अब तक हमने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए हैज 24 एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, 24, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। दैट मीन्स ऑर्डर को पता ना कैसे लिखते हैं, इस ऑर्डर में, दैट मीन्स कितने रो और कितने कॉलम हो सकता है। तो भाई पहला ऑर्डर आप बताओ, या तो एक रो होगा और 24 के 24 कॉलम होगा, या फिर बिल्कुल इसी का अपोजिट, ठीक है, अगली लाइन में आप लिख लेना, या फिर कॉमा देकर, 24 रो और 1 कॉलम, दैट मीन्स 24 रो 1 कॉलम, ओके। चलते हैं आगे, इसका फैक्टर बना लो, और क्या क्या फैक्टर है, 24 के एक जगह फैक्टर बना लो, अगर नहीं आता आपको ऐसे आसानी से तो यू कैन सॉल्व इट बाय योर फैक्टर, ओके। देखते हैं फैक्टर कैसे बनेगा। फैक्टर आपका बन सकता है 24 का कुछ ऐसे, सपोज देखो ऐसे, किससे जाएगा, 2 12 जा, ओके, देन 3 4 जा, या फिर मैं 2 6 जा भी जाता, और क्या हो सकता है, 2 2 जा। तो इस हिसाब से फैक्टर बना ले, देखो क्या बना 24 का, एक तो 1 से गया, एक 12 2 = 24, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 × 12, और इसी का अपोजिट बिल्कुल 12 × 2, यानी कि 2 रो और 12 कॉलम, यहाँ पर 12 रो और 2 कॉलम। और क्या हो सकता है इसी तरह से भाई, देखो 3 रोज 8 कॉलम, या फिर मैं कहूँ तो 8 रो एंड 3 कॉलम। और क्या हो सकता है, तो भाई 4 × 6 24 होता है, या फिर मैं कहूँ 6 × 4, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो ये सारे के सारे पॉसिबल ऑप्शंस थे आपके सामने मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने के, दैट्स इट, यही है इसमें। अब कह रहा है इसी में अगला पार्ट था, इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है तो क्या होगा। भाई 13 का कोई फैक्टर नहीं होता, दैट मीन्स 1 रो 13 कॉलम, अदरवाइज 13 रो 1 कॉलम, इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई इसी की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट्स व्हाई इसको मैं लीव कर रहा हूँ, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम है, इसी में फैक्टर बनाकर लिखना है, इसलिए छोड़ दिया मैंने, ओके। कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, आपको कहना 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ए आई जे, ठीक है, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको 2/2 का मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो बनाएंगे आप, पता है क्या, एक मैट्रिक्स ए, ओके, ए मैट्रिक्स मैंने बनाया। अब इसमें क्या लोगे आप, नोट करने वाली बात यह है, पहला रो दैट मीन्स पहला कॉलम A11, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, आई होप विजिबल होगा ये, ओके।
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड, सेकंड रो का फर्स्ट एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम, 2x2 का मैट्रिक्स है ना, दो रो दो कॉलम, ओके ये किया। अब देखो करना क्या है, आई और जे की जगह ये वैल्यू पुट करते जाओ, पहले निकालो a11 दैट मीन्स आई और जे की जगह हमने क्या रखा, 1 और 1 यहाँ पे रख दो, 1+1 ओके होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 और 1 2 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर भी है ओके, 2 का स्क्वायर होता कितना है 4 अपॉन में 2, कैंसिल आउट होगा क्या देगा वैल्यू 2। इसी तरह आप क्या निकालेंगे a12 दैट मीन्स आई की जगह क्या रखना है, पहला वाला आई होता है ना, आई 1 और जे की जगह रखना है 2, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2, 2+1 3 पहले प्लस देन स्क्वायर, 2+1 3 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखूं 9/2 और तो सॉल्व होगा नहीं, चलते हैं आगे a22 दैट मीन्स आई क्या है 2 और जे भी क्या है 2 दैट मीन्स 2+2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर दैट इज 2+2 4, 4 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 16/2 विच इज 8 आफ्टर सॉल्विंग ओके। इसी तरह आपका क्या निकलेगा 2 भी निकाल दिया, एक 2-1 से लीव आउट हो गया, 2-1 भी निकाल लो, 2-1 कितना होगा दैट इज 2+1 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2+1 3 3 का स्क्वायर क्या होगा बिल्कुल 9/2, समझ आया। तो आपको देखो a11 मिल गया, 1-2 मिल गया, 2-2 मिल गया, 2-1 मिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, पीछे अगला क्वेश्चन है, तो यहीं पे आप क्या करोगे, अगला जो होगा लास्ट में बिल्कुल सबसे लास्ट स्टेप जो होगा वहां पे आप क्या करोगे मैट्रिक्स ए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या भाई, a11 की जगह क्या आया आपका वैल्यू 2 आया था मेरा, a12 की जगह आया 9/2, a21 की जगह देखो यहाँ पे लास्ट में निकाला दैट इज ये भी 9/2 और a22 की जगह क्या आया था मेरा 8, खत्म हो गया, समझ आया। ये था बेसिक आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इतना इजी सा। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, क्या कहता है ए आई जे, इसको भी 2x2 के मैट्रिक्स में ही लिखना है, आई होप लिख लोगे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या जाएगा फटाफट करते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, हमने माना कि उसमें होगा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरा रो का पहला कॉलम एंड दूसरे रो का दूसरा कॉलम, देखो कितना सिंपल है ओके। अब क्या किया हमने a11 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू 1 1 दैट इज 1, इसी तरह a12 दैट मीन्स 1/2 यही रहेगा, 1/2 ही रहेगा ओके, a21 ये वाला वैल्यू निकाल रहे तो हो जाएगा i2j1, बस इसको वैल्यू सही पुट करनी है a22 ओके दैट मीन्स जे की जगह भी 2 आई की जगह भी 2 2/2 1। अब देयरफॉर मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, बन गया 1, ये हो जाएगा 1/2, 2-1 की जगह देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 और 2-2 की जगह क्या है 1 लिव आउट, ये कर लोगे बिल्कुल ऐसा, ये करके दिखाऊं, चलो देखते हैं फटाफट। एक मैट्रिक्स ए हमने लिख लिया, यही चीज आप यहाँ पे डिक्टो लिखोगे, उसके बाद मैं करता हूँ बस, ये वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ मैं a11 क्या होगा a11 यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख लोगे सेम ओके a11 दैट मीन्स यहाँ पे 1 पुट करो 1 और 2-1 जा और इस पूरे का स्क्वायर और अपॉन में 2 कितना होगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 दैट मीन्स 9/2 ओके a12 ये वाली वैल्यू दैट मीन्स 1+2 × 2 और इस पूरे का स्क्वायर और अपॉन में 2 दैट मीन्स 1 और 2 2 जा 4+1 कितना हो जाएगा 1+4 अपॉन में 2 इस पूरे का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 दैट मीन्स 25/2 समझ आया। a22 यहाँ पे i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2 डायरेक्ट करूँ 2 2 जा 4 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 4+2 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 दैट मीन्स 36/2 सॉल्व आउट 18। इसी तरह a2 क्या रहेगा आपका 1 सेम ही आएगा 1 2 इसलिए मैं बार बार इसको लीव आउट कर दे रहा हूँ 2 1 थोड़ा सा डिफ नहीं इस बार डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू डिफरेंट है। i क्या हो जाएगा 2 और j क्या हो जाएगा 2 1 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो 2 और 2 1 जा 2 स्क्वायर अपॉन में 2 2 का स्क्वायर देखो कितना आएगा 4 होगा ना अपॉन में 2 कैंसिल आउट सॉरी क्या कर दिया आपने 4 का स्क्वायर तो करा ही नहीं यार 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 ओके 16/2 अब कैंसिल होगा ये विच इज 8 ठीक है ये ध्यान देना है पहले कैंसिल ना करें 8 हो गया। देयरफॉर मैट्रिक्स ए कितना आएगा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए आपका आ गया कितना देखो पहले क्या आया 9/2 आया था इसकी जगह a12 क्या आया था आपका 25/2 2 1 आपका आया 8
और 2 2 कितना आया 18, जो वैल्यू आई उसको इसमें पुट कर देना है और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। दैट्स इट, ये था हमारा इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।